हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि OEM पैनल को हम कैसे ले सकते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट्स या कैटेगरी के कैसे OEM बन सकते हैं जैम पर। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस, जैम इसके लिए क्या फीस कर सकता करता है, कितने टाइप के वेंडर असेसमेंट होते हैं इसके अंदर। एक्चुअली इसमें दो टाइप के वेंडर असेसमेंट होते हैं, जैसे कि एक वेंडर असेसमेंट होता है, दूसरा होता है वेंडर असेसमेंट एग्जम्पशन। एग्जम्पशन में हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं, जैसे NSIC का सर्टिफिकेट अगर हमारे पास है तो हम जो जैम की फीस है उसको बिना पे किए हुए भी हम वेंडर असेसमेंट करा सकते हैं। इसके अंदर इसकी क्या प्रोसेसर होती है हम आगे जानेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी होते हैं वेंडर असेसमेंट के लिए वो हम देखेंगे। वेंडर असेसमेंट के दौरान जो प्रोसेस होती है वो दो प्रोसेस होती है, एक तो डेस्कटॉप असेसमेंट, दूसरा वीडियो असेसमेंट होता है। इनकी प्रोसेस क्या क्या होती है इसके बारे में हम डीपली जानेंगे। OEM पैनल हमको जब मिल जाता है, OEM पैनल उसका यूज़ क्या होता है, क्या क्या होता है और उसके जो बेनिफिट होते हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। जैम पर वीडियो असेसमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले जैम पर एज अ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, एज अ रीसेलर। जैम पर जो भी रजिस्टर्ड होता है उस एज अ रीसेलर ही होता है, और उसके बाद वो या तो एज अ रीसेलर काम करता है या फिर वो OEM काम करता है। ठीक है, OEM पे काम करने के लिए उसको वेंडर असेसमेंट कराना होता है। ठीक है, वेंडर असेसमेंट कराने की जो प्रोसेस है, सबसे पहले उसको अपने माई अकाउंट में जाने के बाद, माई अकाउंट में जाना होता है। माई अकाउंट में जाने के बाद उसको यहाँ पे माई एक्शन पे क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पे माई एक्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं, वेंडर असेसमेंट, OEM पैनल और तीसरा रीसेलर पैनल। एक जो OEM है वो रीसेलर भी हो सकता है। मान लीजिए आप फर्नीचर में जैसे चेयर बनाते हैं, ठीक है, और साथ में आप रीसेल भी करते हैं अदर आइटम्स। मान लीजिए आप टीवी, LED टीवी या फिर कंप्यूटर वगैरह भी सेल करते हैं, तो आप एज अ रीसेलर उस पर भी काम कर सकते हैं। मतलब एक ही अकाउंट पे आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के OEM या फिर दूसरी चीज़ के आप एज अ रीसेलर काम कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था, वेंडर असेसमेंट में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जैम की जो फीस है, एक्चुअली जैम में जैम का एक पार्ट है QCI, जो कि वेंडर असेसमेंट कराता है। इनकी जो फीस है वो 11,200 प्लस GST, 18% GST है, जो अप्रोक्स होता है 13,216 रुपये, जो हम आगे देखेंगे। हमको मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे क्या प्रोसेस करते हैं इसकी। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि असेसमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक होता है हमारा वेंडर असेसमेंट, दूसरा होता है वेंडर असेसमेंट एग्जम्पशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे असेसमेंट है, दूसरा है असेसमेंट एग्जम्पशन के लिए। असेसमेंट एग्जम्पशन अगर हम लोग लेते हैं तो हमको ना एक जो भी आप अगर किसी भी चीज़ के OEM हैं, तो आप अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे इसमें जो सर्टिफिकेट लगता है वो NSICS का रजिस्ट्रेशन लगता है, अगर आप BIS होल्डर हैं तो भी आपको इसके बेनिफिट मिल सकते हैं, या फिर अदर डॉक्यूमेंट जैसे आप देख रहे हैं सेंट्रल, स्टेट, PSU, अगर आपके पास इन सब में से डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो आप एलिजिबल हो वेंडर असेसमेंट की एग्जेम्पशंस लेने के लिए। अगर इसमें से आपके पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है पर आप OEM हैं, तो आप असेसमेंट करा सकते हो। यहाँ पे असेसमेंट की जो प्रोसेस है, यहाँ पे असेसमेंट पे क्लिक करना है आपको, और हम एक नया क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू असेसमेंट। देखिए हमने इस अकाउंट में पहले भी हो चुका है असेसमेंट, तो यहाँ पे असेसमेंट है वो पास हो चुका है। ठीक है, ये 2021 में कराया था। ठीक है, इसकी डिटेल है, मैं इसके अंदर आपको डिटेल जाके बताऊंगा, लेकिन अभी हम देखते हैं कि आप न्यू असेसमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है क्रिएट न्यू असेसमेंट, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें एक तो असेसमेंट मी एस, यहाँ पे आप एज अ मैन्युफैक्चरिंग और एज अ रीसेलर दोनों आप वेंडर असेसमेंट करा सकते हो। एज अ रीसेलर भी आप असेसमेंट करा सकते हो और एज अ मैन्युफैक्चरिंग भी आप करा सकते हो। तो मेरा आपको सजेशन है, आप अगर आप OEM है तो ही कराएं, क्योंकि रीसेलर में इतना बेनिफिट नहीं है जितना आप एज अ OEM में करा सकते हैं। OEM में आपको मिलता है,
देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे दो ऑप्शंस हमको मिल गए हैं, एज अ मैन्युफैक्चरर और ओईएम और एज अ रीसेलर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एज अ ओईएम, एज अ मैन्युफैक्चरर पे आप क्लिक करें। आपको देन इनिशिएट वेंडर असेसमेंट पे क्लिक करना है। हमें ये प्रोफाइल, हमें कुछ ये डिटेल फिलअप करनी होती है, जैसे एडिशनल मोबाइल नंबर देना होता है और एडिशनल ईमेल आईडी देना हो। बेसिकली इस पे अपना आपको क्यूसीए का मेल आता है, ठीक है, यहाँ पे आपको फिल करके देन सेवन प्रोसीड करना है। उसके बाद आप ये कुछ डिटेल ऑटो फिल आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी, सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरीज का सेक्शन है यहाँ पे। आपको कैटेगरीज चूज़ करना है जो जो आप प्रोडक्ट्स में डील करते हो। सबसे पहले आपको रहेगा मेरा सजेशन कि आप सबसे पहले जितनी भी कैटेगरी है जिसमें आपको काम करते हो उन सबकी कैटेगरी फाइंड आउट करें, देन यहाँ पे फिल करें। आप मल्टीपल कर सकते हो यहाँ पे एड रो करके। यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी का नाम डालना है, जैसे मैं फर्नीचर डालता हूँ, रिमूवल चेयर मैंने एक ही डाला। इसके बाद ऑफिस चेयर भी मैं सिलेक्ट करूँगा, चेयर ऑफिस। ऐसे में करके नंबर ऑफ कैटेगरीज को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है इसके बारे में, जैसे डिस्क्रिप्शन में आप एज अ नाम इसका सेम कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे ये डाल सकते हो रिवॉल्विंग चेयर, ठीक है। देन आपकी मंथली कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्ट कैपेसिटी एज पर मंथ, आपकी मंथली कैपेसिटी क्या है आपको वो फिलअप करना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ ओईएम ऑथराइजेशन, ये आपके काम का नहीं है, इसको आप रहने दीजिए, इसको आप अनचेक पे ही रहने दीजिए, ये मैंडेटरी भी नहीं होता है इसके अंदर आपको। देन यहाँ पे नीचे आएंगे हम, यहाँ पे देखिए आपने अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पहले सेल किया है, मतलब जैम के अलावा आपने अगर किसी को सेल किया है आपके प्रोडक्ट्स कैटेगरीज को, तो आप वहाँ पे जैसे आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का आप वहाँ पे डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर नहीं हो तो भी इसके बिना भी काम हो जाता है, ठीक है। आपको ये डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आना है, ये फाइनेंशियल डिटेल ऑलरेडी फिल आएगी इसके अंदर, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। देन पेमेंट, पेमेंट करना है आपको 13,216 रुपये। जैसे आप पेमेंट करोगे इसका, आपको एक मेल आएगा क्यूसीआई की तरफ से कि आपका, आपको उसमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और एक मोबाइल नंबर मिल जाएगा जिसमें आप कॉल करके जो वेंडर असेसमेंट की प्रोसेस है उसको करा सकते हो, ठीक है। जो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपको वो क्यूसीआई की वेबसाइट पर जाना है, देन वहाँ पे लॉगिन करना है और आगे की प्रोसेस आपको डेस्कटॉप असेसमेंट और वीडियो असेसमेंट की प्रोसेस वहाँ से करनी है। क्या फॉर्मेट होता है, क्या है, वो भी हम अभी जानते हैं। देखिए जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। जो क्यूसीए की वेबसाइट है मैं आपको बता देता हूँ, आपको आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है क्यूसीए लॉगिन, सिंपल क्यूसीए लॉगिन। देन यहाँ पे आपको इस वाले पे क्लिक करना है। आपको यूसीआई की जो वेबसाइट है वो है, आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, यहाँ पे क्यूसीआई लॉगिन पे सर्च करना है और जो फर्स्ट वाला जो लिंक रहेगा आपको इस पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया जो आपके मेल पे ऑलरेडी आपको मिल चुका है, तो आपको इससे लॉगिन करना है, ठीक है, इससे आपको लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप असेसमेंट इन्फॉर्मेशन मैनुअल।